नमस्कार दोस्तों, स्वप्ना रॉय सहारा इंडिया परिवार की नई प्रमुख ने हाल ही में निवेशकों के लिए बड़ी घोषणा की है। सहारा समूह के करोड़ों निवेशक, जिनका पैसा पिछले कई वर्षों से फंसा हुआ है, अब उन्हें जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। स्वप्ना रॉय ने एक बड़े बयान में आश्वासन दिया है कि सहारा समूह निवेशकों के पैसे लौटाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करेगा। यह खबर सहारा इंडिया से जुड़े लाखों निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। स्वप्ना रॉय, जो सुब्रत रॉय की पत्नी है और उनके निधन के बाद समूह की कमान संभाल रही है, ने कहा है कि सहारा इंडिया अपने सभी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निवेशकों का पैसा लौटाने का काम उनके नेतृत्व में प्राथमिकता पर किया जाएगा। पिछले कुछ समय से सहारा इंडिया समूह कानूनी और वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहा है, लेकिन स्वप्ना रॉय ने दावा किया है कि इन परेशानियों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और निवेशकों का पैसा सुरक्षित हाथों में है। इस घोषणा से सहारा इंडिया के निवेशकों में एक नई उम्मीद जगी है। स्वप्ना रॉय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब निवेशक अपने पैसों को लेकर चिंतित थे। कई निवेशकों ने तो अपनी गाढ़ी कमाई सहारा समूह में लगा दी थी और उन्हें अब वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्वप्ना रॉय का यह वादा निवेशकों के लिए एक राहत की खबर है। स्वप्ना रॉय ने यह भी कहा कि सहारा समूह का उद्देश्य हमेशा से अपने निवेशकों का ख्याल रखना रहा है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी देनदारियां जल्द ही निपटाई जाएंगी। इसके लिए एक विशेष योजना तैयार की जा रही है, जिसमें निवेशकों के पैसों को चरणबद्ध तरीके से लौटाने की व्यवस्था की जाएगी। सहारा इंडिया का यह कदम निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से निवेशक अपने पैसे वापस पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अदालतों में चल रही कानूनी लड़ाई और वित्तीय बाधाओं के बावजूद स्वप्ना रॉय ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि अब देनदारियों का समाधान तेजी से होगा। स्वप्ना रॉय ने आगे कहा कि सहारा समूह के पास पर्याप्त संपत्ति है, जिससे वह अपनी देनदारियों को पूरा कर सकता है। उनके अनुसार पिछले 12 सालों से सहारा से भी विवाद के कारण जो स्थिति बनी, वह अब खत्म होने के करीब है। न्यायालय में हुए ताजा फैसलों ने सहारा इंडिया को राहत दी है और अब कंपनी निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया को तेज करेगी। स्वप्ना रॉय ने कहा कि निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी सारी धनराशि सुरक्षित है और कंपनी जल्द ही उन्हें उनका पैसा लौटाएगी। कंपनी ने इसके लिए एक विशेष वित्तीय योजना बनाई है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत उन सभी निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा जिन्होंने सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में निवेश किया है। यह खबर सहारा इंडिया के उन लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो अपने पैसों के इंतजार में बैठे हैं। स्वप्ना रॉय ने अपने बयान में कहा कि वह निवेशकों की चिंताओं को समझती है और इस मामले को जल्द से जल्द हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस खबर के बाद निवेशकों के बीच एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। सहारा इंडिया की इस नई पहल से निवेशकों को एक नई उम्मीद मिली है कि उनका पैसा जल्द ही लौटाया जाएगा। निवेशकों के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है और उन्हें विश्वास है कि स्वप्ना रॉय के नेतृत्व में सहारा इंडिया इस काम को जल्दी ही पूरा कर लेगा। स्वप्ना रॉय ने निवेशकों से यह भी अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और कंपनी पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है और जल्द ही सभी निवेशकों का पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत निवेशकों को एक निश्चित समय सीमा में उनका पैसा लौटाया जाएगा और इसके लिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वप्ना रॉय के इस बयान से निवेशकों के बीच एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है।
सहारा इंडिया ने निवेशकों को यह भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा सुरक्षित है और जल्द ही उन्हें लौटा दिया जाएगा। इस बीच स्वप्ना रॉय ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक व्यापक योजना तैयार की है, जिससे निवेशकों को चरणबद्ध तरीके से उनका पैसा लौटाया जाएगा। सहारा इंडिया की यह नई योजना उन निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, जिनका पैसा कई सालों से फंसा हुआ था। स्वप्ना रॉय का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि सहारा इंडिया जल्द ही अपने निवेशकों को राहत देने के लिए तैयार है। सहारा इंडिया की शुरुआत 1978 में एक छोटे से फाइनेंशियल संस्थान के रूप में हुई थी, लेकिन आज यह समूह एक बड़ा साम्राज्य बन चुका है। लाखों निवेशकों ने सहारा समूह की स्कीमों में निवेश किया है और अब वे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका पैसा उन्हें जल्द वापस मिलेगा। स्वप्ना रॉय का कहना है कि उनके नेतृत्व में कंपनी निवेशकों के भरोसे को कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करे। तो दोस्तों, यह थी सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्वप्ना रॉय के इस आश्वासन के बाद उम्मीद है कि सहारा इंडिया के निवेशक जल्द ही अपने पैसे वापस पाएं। उम्मीद की जा रही है कि यह प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी और निवेशकों का पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा। आप सभी को इस पर क्या लगता है? क्या यह एक सकारात्मक कदम है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ